हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिनी मेकअप वर्ल्ड। सो आज मैं फिर आपके लिए लाई हूँ एक अनदर फूड वीडियो, और इसमें मैंने बनाया है ये सिंपल इजी सी मैक्रोनी की रेसिपी। सो आप इसे इस लॉकडाउन में बना सकते हो, बिल्कुल मिनिमम इसमें चीज़ें लगती है। सो या अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैक्रोनी को उबालूंगी। उसके लिए मैंने गैस ऑन कर लिया है और चढ़ा दिया है एक पतीला, और उसमें मैंने आधा पानी भर लिया है। तो आप भी ऐसे कर लीजिएगा और उसे ढक देंगे। देन मैं यहाँ पर इस तरीके की मैक्रोनी ले रही हूँ। आप पास्ता भी ले सकते हो, जो भी आपके पास हो। देन इसके बाद जब पानी आपका खौलने लगे एकदम से, तो उसमें आपको एक चम्मच तेल डालना है, आपके पास कोई भी तेल हो। देन उसके बाद आपको एक चम्मच नमक डालना है स्वाद के लिए, कि उसमें नमक चल ले जाए। देन आपको सिंपल वही मैक्रोनी जो आपके पास पास्ता हो, जो भी हो, आपको उसमें डाल देना है। देन थोड़ी देर बाद आप उसे चलाना है। जब आपका मैक्रोनी इस स्टेज पे पक जाए, मतलब एकदम भी नहीं पकाना है, हल्का सा पकाना है, मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं पकाना है वरना टेस्ट में वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके बाद क्या करना है, आपको उसे ड्रेन कर लेना है एक डलिया पर। देन उस पर आपको चिल्ड वाटर डाल देना है, ताकि आपका मैक्रोनी साथ में चिपके नहीं और जो भी उसमें स्टार्च होगा वो एक्स्ट्रा निकल जाएगा, जिससे कि आपकी मैक्रोनी अलग अलग हो जाएगी, चिपकेगी नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पर लेने हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 टमाटर, 4 से 8 हरी मिर्च, आप जितना कड़वा खाते हो। तो यहाँ पर मेरे पास टमाटर ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही डाला है, आप 2 भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। सो यहाँ पर मैं प्याज को टोटली, मतलब अपने देसी स्टाइल पे चॉप कर रही हूँ। अधिकतर हमारे देसी वुमेन या मैन ऐसे ही चॉप करते हैं, हम ज़्यादा प्रोफेशन तो होते नहीं है कि उसे मतलब बोर्ड पे काटेंगे। तो ऐसे ही काट लेना है आपको, जैसे भी आप काट सको काट लो बस। फिर उसके बाद हरी मिर्च को भी छोटे छोटे चॉप कर लेने हैं। देन टमाटर को भी यहाँ पर छोटे छोटे चॉप कर लेने हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ, बस छोटे छोटे टुकड़ों में आपको उसे काट लेने हैं सिंपली। देन उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी आप कढ़ाई चढ़ा दो जो आपके पास अवेलेबल हो। आपको सिंपली गैस ऑन करना है, यहाँ पर कढ़ाई चढ़ानी है। देन उस पर थोड़ा सा रिफाइंड डालना है, 1 से 2 चम्मच। देन जब वो बिल्कुल गर्म हो जाए, धुआं निकलने लगे, तब आपको यहाँ पर प्याज डालना है। इससे क्या होगा कि आपके मैक्रोनी पे स्मोकी इफेक्ट आएगा, जैसे कि बाज़ारों पे मिलता है। तो आप देख सकते हो थोड़ी सी, जब ये लाल हो जाए उसके बाद आपको सिंपली वैसे ही टमाटर उसमें डाल देने हैं और उसे भूनते रहना है जब तक वो थोड़ा इस स्टेज पर ना आ जाए। देन उसके बाद आपको सिंपली उस पर वही अपनी मैक्रोनी डाल देनी है, और उस पर आपको यहाँ पर डालना है ये काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, जितना आप खाओगे। उसके बाद यहाँ पर 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली, जितना कि आप खा सकते हो कड़वे के हिसाब से। देन उस पर सिंपली आपको नमक डाल देना है स्वाद अनुसार, और उसे भून लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है सोया सॉस, अगर आपके पास अवेलेबल हो। और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा 1 चम्मच विनीगर। तो अगर आपके पास विनीगर नहीं है तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपने इसमें ऑलरेडी काली मिर्च डाली है, तो आपका मैक्रोनी टेस्टी हो चुका है। तो आपको इसे 5 मिनट तक भूनते रहना है, जब तक इसमें से स्मोकी स्मेल ना आने लगे। सो या गाइस, मेरा मैक्रोनी बनकर रेडी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।